लाहौर महज तारीखी, तहजीबी और माशरती अहमियत का हामिल ही नहीं बल्कि तसव्वुफ और तरीकत की दौलत से भी मालामाल है। इस शहर ने कभी वो दौर भी देखा जब जात पात की तकसीम जाबराना हुक्मरानी और जादूगरी का बोल पाला था, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब कादर मुतलिक ने इस खत्ते की काया ही पलट दी। देखती आंखों ने देखा कि शहर गिजनी से तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ आवर हुए। आपका शजराए नस 9 वास्तों से और शजराए तरीकत 10 वास्तों से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। तारीख बताती है कि आप अपने शेख हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल फुतली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस्लाम की तरबीज और तबलीग के सिलसिले में लाहौर तशरीफ लाए। आपके साथ 2 साथी भी थे, एक का नाम अबू सईद हजवेरी और दूसरा हमाद सरकसी है। आपकी शोहरा आफाक तस्नीफ कशफुल माजूद अबू सईद के सवालात के जवाब की सूरत में तरतीब की वजह बनी। लाहौर तशरीफ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया और उसी पर तशरीफ फरमा हुए। यही मट्टी का टीला बाद आपकी आखिरी आरामगाह भी बना। यही वजह है कि आपकी कब्र मुबारक जमीनी सतह से कदरे बुलंदी पर है। मौलिया शहजादा दारा शिको अपनी तंसीब सफीनतुल औलिया में आपकी तामीर करदा मस्जिद का जिक्र करता है, जिसके साथ हजरत दाता साहब की एक करामत भी वाबस्ता है। कहा यह जाता है कि आपकी मस्जिद के मेहराब के हवाले से मकामी आबादी को एतराज था कि मेहराब किबला रुख नहीं है। हजरत दाता साहब ने अपनी अमामत में जमात करवाई और दौरान नमाज आपकी बरकत से नमाजियों ने बिलमशाफा अपनी आंखों से खाना काबा की ज्यारत की। हजार साल पहले वक्त वजीर होने वाले वाकया की यादगार आज भी दाता दरबार में महफूज है। मस्जिद की तौसी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में होती रही। अलबत्ता मौजूदा मस्जिद दरबार से मुतसिल सहन और बेसमेंट पर तरक्याती काम का आगाज 80 की दहाई में हुआ। मस्जिद के डिजाइन के लिए बाकायदा मुकाबला करवाया गया जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर माहिरीन फन ने हिस्सा लिया। बेहतरीन डिजाइन का इंतखाब सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक ने खुद किया। मस्जिद के दोनों अतराफ मौजूद मीनार तुर्क मसाजिद की फन तामीर की अकासी करते हैं। मस्जिद और मीजार के मुख्तलिफ हिस्सों में फन कताती का खसूसी एहतमाम नजर आता है। ताता दरबार के दाखिली दरवाजों में इस्लाम फन तकलीफ नुमाया है। दरबार के अहाते में एक सोने का दरवाजा मौजूद है जिसे जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में नस्ब करवाया।
इसका डिजाइन ईरान से बनवाया और मंगवाया गया था। कमेटी के जरिए तमाम हर जुमेरात को कवाली का खास एहतमाम किया जाता है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन के मरकजी दफातर से मुतसिल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ एक कमरे में फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी की कब्र भी वाकया है, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज थे। कशफुल माजूब का अंग्रेजी तर्जमान जीसर नकलसन ने 1911 में किया, जो मगरबी ममालिक में दस्तयाब था। फारूक लेनार्ड की कशफुल माजूब के मतलब से दुनिया ही बदल गई और आप इस्लाम की नेमत से बहरामंद हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद फारूक लेनार्ड लाहौर मुंतकिल हो गए और बाकी की जिंदगी दादा साहब के कदमों में सर्फ की। आप 13 फरवरी 1945 को इस दारे फानी से कूच कर गए और हजरत दादा साहब की दरगाह के अहाते में दफन होने का इजाज पाया। कमोबेश 50 साल बाद 80 की दहाई में जब मस्जिद की तौसी का काम जारी था तो आपकी कब्र जाहिर हो गई। 50 साल गुजर जाने के बावजूद जिस्म सही हालत में था, चुनाचे उनकी असर नौ तदफीन का एहतमाम हुआ। ये एरिया मजार शरीफ की सतह से कदरे नीचे है। दाता दरबार में रोजाना अजाने फजर से तकरीबन एक घंटा कबल मजार शरीफ के हुजरे की चौखट खोलने की रस्म अदा की जाती है। हजरत दाता साहब के हुजरे मुबारक की 4 चौखटें हैं, उनमें से 3 चौखटें मर्द जायरीन के लिए। और एक चौखट जो शमाल मशरक की जानिब है ख्वातीन जायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त जायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज ईशा के बाद मजार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है। जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत जायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद हर जुमेरात को दूर दराज से यहाँ आते हैं और हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। Thank you.
डाटा साहब के सालाना उर्स मुबारक की तकारीब हर साल 18, 19 और 20 सफर को मुनक़द होती है। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदान शाहकाने सैयद हजवेर मोहब्बत के फूल उछावर करने चौक दर चौक शिरकत की सआदत हासिल करते हैं। दौरान उर्स दरबार शरीफ और उसके नजाफत में बेपनाह रश देखने को मिलता है। गजनी से लाहौर तशरीफ लाने के बाद हजरत दाता साहब की खिदमत अकदस में सबसे पहले जिस चीज का नजराना पेश किया गया था वो दूध था। इसी रवायत के तसलसल के तहत उर्स मुबारक पर जायरीन के लिए दूध की सबील का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। उर्स मुबारक के अयाम में जायरीन की तवाज़ो के लिए हजारों मन खालस दूध पंजाब भर के अकीदतमंद शीर पुरुषों की जानब से पेश किया जाता है। सबील का इंतजाम दरबार शरीफ कॉम्प्लेक्स की मशरक की जानेब पाहिर भाटी चौक की तरफ किया जाता है। दाता दरबार में लंगर का वसीओ अरीज इंतजाम भी मौजूद है। यहाँ हर आने वाले को बआसानी तीन वक्त का लंगर मयसर होता है। रोजाना तकरीबन 7,500 जायरीन लंगर से मुस्तफीद होते हैं। हर बुध के रोज दरबार में मौजूद 44 कैश बॉक्सों को खोला जाता है। औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक स्टाफ और खतीब साहब के जरिए इंतजाम कैश की गिनती होती है और नजराना जात मौका पर ही बैंक में जमा हो जाते हैं। मारूफ रवायत यही है कि हजरत दाता गंजबर्ग 465 हिजरी में इस जहान फानी से पर्दा फरमा गए। आपके वसाल के तकरीबन 125 साल बाद ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरसगीर आमद हुई। हजरत दाता गंजबख्श की अजमतों और इफ़तों को उन्होंने जिस बुलंदी पर देखा उसका इजहार एक शेर की सूरत कर दिया जो क्यामत तक के लिए अमर है। गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा नाक सारा पीर कामिल कामला रहनुमा। सदियां गुजर गईं मगर आज भी यह खिताब आप ही के रंग में रंगा है। वो सरजमीन जो कभी जहालत की तस्वीर थी इस वलिये कामिल ने इस खत्ते की तकदीर को यूं बदला कि ये जमीन दाता की नगरी कहलाने लगी। ये किसके दर पे खड़ा है हजूमे तिश्ना लबा ये किसकी सब्ज फसीलों पे शाम होते ही हरूफे नाते नबी की रिंजमों का नजू सुनो के एक जमाना गुलाम है उसका रियाज सैयद हजवेर नाम है उसका।